एनिमल फाइट क्लब में दोस्तों आप सबका स्वागत है। एक बार फिर हम आपको ऐसे हैरत अंगेज एनिमल्स दिखाएंगे जिन्होंने अपनी सहज परवर्ती को छोड़ा। यह वो बगला है जिसने बखत बनना छोड़ा, शिकारी बनने में ज्यादा फायदा समझा। ये कहीं से ब्रेड का टुकड़ा लेकर आया है जिसे दिखाकर ये अपने शिकार को फांसने की कोशिश करेगा, पर ये इसने पानी में चारा बनाकर डाल दिया है ब्रेड का टुकड़ा। पर शिकार जो इसको देख कर आकर्षित हुए भी हैं वो इसके औकात से कहीं बड़े हैं और ये जानता है, इसलिए इसने अपनी ब्रेड को वापस उठा लिया है और ये दोबारा एक बार फिर कोशिश करने की कोशिश करेगा। इस बार से थोड़ा छोटा शिकार दिखाई देता है, ये फिर कोशिश करता है और ये दूसरी कोशिश में बिल्कुल कामयाब होता है, इसीलिए इसने पकड़ पन्ना छोड़ दिया। ये चूहा ये सोच रहा था सूखे हुए पेड़ पर चढ़ के इन कुत्तों से बच जाएगा, पर ये नहीं जानता कि ये कुत्ते पेड़ में चढ़ना भी जानते हैं और ये जब तक इसे नीचे नहीं उतारेंगे तब तक इन कुत्तों को शांति नहीं मिलेगी। और ये कुत्ते इतने शातिर हैं कि पेड़ में इसको हिला हिला कर जब तक नीचे ना गिरेंगे तब तक इन कुत्तों को चैन नहीं मिलेगा। इस चूहे ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मौत से इतना नज़दीकी सामना भी इसका पेड़ में बैठे बैठे भी हो सकता है। ये कुत्ता अपने चमड़े से पूरा पेड़ ही काट देगा क्योंकि पेड़ सड़ा हुआ, और ये इस बुल की तीन आंखें हैं, सिंह तो तीन है ही हैं, साथ में इसकी तीन आंखें भी हैं। इसी वजह से इंडिया में इसे भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। और ये जानता है कि बाहर जाने जानता है कि एक बार बाहर से अंदर आ जाओ तो मालिक को कुछ पता नहीं चलेगा। इस किसान ने इस हाथी के बच्चे को गोली मार दी थी, वो बच्चा मरा नहीं, लेकिन यह हाथी रात को लौटा उससे अपना बदला लेने, और इस हाथी ने जो उत्पात मचाया उसको देखकर एक किसान की सुबह हैरान हो गया। इसलिए इसकी गाय के बेड़े में घुस आया और इसने घुस के इसकी गाय की वो पिटाई करी कि जिसे देखकर किसान हिल गया। उसको समझ में आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है। हाथी के बच्चे को छेड़ने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना, और हाथी बैठ लाश भी बहुत अच्छी मारते हैं। ये देखिए कितने अच्छी तरह इस हाथी ने घूम के लात मारी गाय के मुंह में, और एक बार फिर ये हाथी फार गया मुआयना करने कि कहीं कोई बंदूक लेके इस पे शूट करने तो नहीं आ रहा। पूरा मुआयना करके एक बार फिर हाथी वापस लौट गया और उसने ज्यादा देर नहीं लगाई, वो वापस लौटा इन गायों से अपना बदला लेने के लिए, और उसने दोबारा अंदर आकर जो उत्पात मचाया वो पहले उत्पात से भी ज्यादा क्रूर था। वापस आया इस बार ज्यादा ही क्रूर और आक्रामक मोड़ में दिखाई दिया। इसने इस बार अपने दांतों से इन काउस के पेट को फाड़ने की कोशिश की और अपनी लातों से इन्हें कच्चू
कुचलने की कोशिश भी की और फिर वापस लौट गया। फिर इसने बाहर जाकर पूरा मुआयना किया कि कहीं कोई खतरा तो नहीं, और एक बार फिर ये तीसरी बार वापस आया और इस बार तो इसने बहुत ही आकर्षक मोड़ में सीधा अपने दांत उस कॉग के पेट में धंसा दिए और उन्हें अधमरी हालत में छोड़ वो वापस मुड़कर देखा कि कोई खतरा तो नहीं है। पर इससे उस किसान को ये सबक मिल गया कि इन जानवरों को कभी छेड़ना नहीं चाहिए।